आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में एंड व्हाट आर द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड हाउ दे कंट्रोल द कैल्शियम लेवल इन ब्लड तो स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड जो है हमारे नेक में जो फ्रंट पार्ट है विंड पाइप का जो फ्रंट पार्ट है और लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है उसके नीचे वाला जो पार्ट है वहां पर प्रेजेंट है और थायराइड ग्लैंड इज इन टू लोब्स डेट्स लेफ्ट लोब एंड राइट लोब थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू हॉर्मोन्स T3 थ्री एंड टी फोर दोज हॉर्मोन्स आर कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय हाइपोथेल्मस थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड तो पहले आपका जो हाइपोथेलमस है

and calcitonin so t3 this t3 full form is triiodothyronine this triiodothyronine is tri is three iodo is iodine so this particular hormone has got three iodine atoms in it this is an active hormone so thyroid gland jo, t3 t4 produce kar rahe, that's in ratio of usually around one is to four ट्वेंटी इज टी थ्री एट्टी परसेंटेज टी फोर इसको हम एक्टिव हार्मोन बोल रहे हैं क्योंकि ये हार्मोन बॉडी में एक्ट कर रहा है टी फोर जो है वो बेसिकली एक रिजर्वायर है फॉर टी थ्री तो टी फोर में से एक आयोडीन जो है इट्स बींग टेकन आउट एंड देन इट बिकम्स योर टी थ्री तो पहले टी थ्री की बात करते हैं जो टी थ्री हॉर्मोन है दैट्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन बॉडीज मेटाबॉलिक रेट अगर T3 नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफी लो होगा तो इफ बॉडी हैज़ टू ग्रो इट हैज टू डेवलप देन द मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच सेल्स आर कंज्यूमिंग फॉर डे टू डे एक्टिविटीज सो इफ बॉडी हैज टू ग्रो एंड डेवलप देन T3 थ्री इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद ग्रोथ हॉर्मोन सो दैट द मेटाबॉलिक रेट इज हाई बिसाइड्स मेंटेनिंग द

it's besides metabolic rate and breaking down of fat it also controls heart functions muscle functions digestive functions these are all secondary functions for t3 so basically these hormones have got lot of functions we are here mainly discussing about the major functions let's talk about t4 so t4 is having 4 iodine atoms and thus it's called as tetraiodo thyronine

फ्रॉम द नेम ऑफ टी थ्री एंड टी फोर वी कैन मेक आउट आयोडीन इज मस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर हॉर्मोन्स और ये अगर आयोडीन की डेफिशियंसी होगी तो ये जो हॉर्मोन्स हैं ये कम जनरेट होंगे तो ये जो हॉमोन्स हैं दिज आर रिक्वायर्ड फॉर मेनटेनिंग अ गुड मेटाबॉलिक रेट और अगर इनकी डेफिशियंसी होगी तो इनकी डेफिशियंसी मेनली रिजल्ट इन टू थिंग्स वन इज दे विल बी अब नॉर्मल वेट गेन विल बी देयर क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम है तो आपका पर डे जो कैलरी रिक्वायरमेंट है दैट्स यूजुअली टू थाउजेंड कैलोरी दैट विल रिड्यूस डाउन टू मे बी समवेयर थाउजेंड और ट्वेल्व हंड्रेड कैलोरीज तो इवन इफ पीपल आर डूइंग डाइटिंग दे आर ईटिंग लेस स्टिल दे विल गेन वेट वाई बिकॉज सफिशिएंट टी थ्री एंड टी फोर आर नॉट देयर इन द बॉडी टू टेल सेल टू वर्क हार्ड और टू कंज्यूम मोर एनर्जी

तो ये जो T3 T4 बनते हैं ये ब्लड में रिलीज होते हैं दैट ब्लड गोज टू द हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस मेजर करेगा कि हाउ मेनी T4 फोर आर देयर एंड दैट्स अ नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथेलमस कि T4 फोर जैसे ही ज़्यादा होने लगेंगे तो हाइपोथेलमस जो है वो टी आर एच जो है वो कम रिलीज़ करेगा एंड बेसिकली देन टी एस एच विल बी रिलीज लेस तो थायरॉयड को पता चल रहा है कि अभी T3 T4 प्रोड्यूस नहीं करने हैं बट अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है थिंक ऑन इट तो T4 जो है वो आपके कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हाइपोथेलमस कॉन्टिन्यूसली पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई T3 T4 रिलीज करें पिट्यूटरी कॉन्टिन्यूसली थारॉइड को बोलेगा T3 T4 रिलीज करें और थारॉइड जो है वो आयोडीन है ही नहीं सफिशियंट तो T3 T4 टी फोर कहां से रिलीज करेगा सो बट थारॉयड के ऊपर कॉन्टिन्यूस प्रेशर है T3 T4 रिलीज करें सो इन टर्न ग्लैंड विल ट्राई टू मेक मोर वर्कर्स टू मेक टी थ्री टी फोर बट जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो वो वर्कर भी क्या करेंगे बट इन टर्मस जब थारॉयड और सेल बना रहा है ताकि टी थ्री टी फोर बन सकें देन यू और बेसिकली जो थाइरायड ग्लैंड है दैट थायरॉयड ग्लैंड इज बिकमिंग एन लार्ज एंड दिस डिजीज इज वट वी कॉल एज गॉइटर विच रिजल्ट ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ आयोडीन T3 और T4 के अलावा जो हमारा थर्ड हार्मोन है दैट इज कैल्सीटोनिन वी ऑल नो T3 और T4 इनको जो है हाइपोथेलमस इज कंट्रोलिंग थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड बट कैल्सीटोनिन कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंटली बाय थाइराइड ग्लैंड तो अगर आप यहां पर स्ट्रक्चर देखेंगे थाइरॉयड ग्लैंड का तो थायरोयड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकल्स और ये जो फॉलिकल के सेल्स हैं है ना दी सेल्स आर वन विच आर प्रोड्यूसिंग टी थ्री टी फोर एंड दोज हॉर्मोन्स आर देन गोइंग डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम है ना दीज आर योर ब्लड कैपलरीज आर देयर इनके अलावा जो है यू विल सी देयर आर फ्यू मोर सेल्स आर देयर दीज सेल्स विच आर देयर दिज सेल्स आर कॉल्ड एज पैराफॉलिकुलर सेल और सी सेल ये जो सी सेल हैं दीज आर द वन विच आर प्रोड्यूसिंग कैल्सिटोनिन, बट ये आपका पिट्यूट्री के इंस्ट्रक्शन पर वो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर मोनिटरिंग द कैल्शियम लेवल इन ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स में जैसे ही कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है दिस सी सेल्स टेक द सिग्नल फ्रॉम दैट एंड दे प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन तो कैल्सिटोनिन कब प्रोड्यूस हो रहा है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया है टू रिड्यूस इट डाउन सी सेल्स आर और थाईरॉइड ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग कैल्सिटोनिन ओके बिफोर वी मूव है ना लेट्स सी व्हाट यू मीन बाय कैल्शियम लेवल इन ब्लड तो आपका जो ब्लड है उसमें यू हैव गॉट डिफरेंट मिनरल्स आर देयर ठीक है एंड दे इज आर टर्म कॉल्ड होम्योस्टेसिस दैट इज जो हमारी बॉडी है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू uh, मेंटेन करके रखती है इन आर ब्लड टू इट फंक्शन प्रॉपरली तो अगर आप लेट्स ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज जो है एक पर्टिकुलर लेवल तक ब्लड में होगा अगर ज़्यादा होगा या कम होगा देन इट विल क्रिएट एन ईशू सेम वे आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक होता है अगर कैल्शियम कम या ज़्यादा होगा देन इट स्टार्ट क्रिएटिंग द ईशू तो आपका जो ब्लड है उसमें यूजुअली जो है देर विल बी अराउंड 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर लीटर ऑफ ब्लड तो पर लीटर ऑफ ब्लड में 100 मिलीग्राम कैल्शियम होगा तो यूजुअली आपका बॉडी का 99 परसेंट कैल्शियम यू विल फाइंड इट्स इन बोन्स एंड टीथ एंड दैट वन परसेंट अमंग दैट यू यू हैव गॉट कैल्शियम इन ब्लड और इन मसल्स तो ये ब्लड में कैल्शियम का काम क्या है पर्पज़ क्या है भाई तो ये इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पहला तो बोन हेल्थ है ना बोन में अगर कम या ज़्यादा हो रहा है कैल्शियम देन इट इज़ मस्ट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो आपका जो नर्व से सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वहां पर कैल्शियम हैज़ गॉट अ वेरी मेजर रोल इन एडिशनली एडिशनली जो है आपका कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर नर्व ट्रांसमिशन एंड फॉर ब्लड कोटिंग तो अगर ये कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है कम होता है तो भी प्रॉब्लम है तो अगर कैल्शियम का लेवल आपका ज़्यादा हो गया है तो आपके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है इट कैन लीड टू वीकनेस ऑफ मसल्स एंड फैटिक जो नर्व्स हैं इट कैन डिस्टर्ब द नर्व फंक्शन इट कैन कॉज टिंगलिंग इफेक्ट नमनेस एंड ज़्यादा कैल्शियम है दैट कैन लीड टू किडनी स्टोन्स किडनी जब फिल्टर कर रही है कैल्शियम देन इट्स टिंग टर्न इंटू फॉर्म ऑफ स्टोन्स और अगर ये कैल्शियम लेवल कम है तो भी हमारे पास प्रॉब्लम है ठीक है तो कैल्शियम लेवल अगर कम हो गया है तो आपका जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली सिग्नल नहीं ले पा रहे हैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो मसल्स पैसम एंड क्रैम्प विल बी देयर और आपका नर्वस सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली यू हैव सीजर्स विल बी देयर बोन्स विल नॉट हैव सफिशियंट कैल्शियम दे विल भी वीक दैट्स ऑस्टियोपोरोसिसर तो जो हॉर्मोन्स हैं दे आर मेकिंग श्योर कि कैल्शियम लेवल ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो तो अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस केस में बॉडी जो आपका थायराइड ग्लैंड है दैट रिलीज कैल्सिटोनिन सो दैट इट कम्स टू द नॉर्मल रेंज तो बहुत जो हाई कैल्शियम है उस केस में आपका जो थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स हैं दे पिकअप आपका जो ब्लड है उसमें कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एंड दो सी सेल्स रिलीज कैल्सीटोनिन और ये कैल्सीटोनिन इन टर्न विल लोअर द कैल्शियम लेवल इन ब्लड अब ये ब्लड में कैल्शियम लेवल कैसे लोअर करेगा दैट इज़ वट वी हैव टू सी तो सबसे पहले तो ये आपका जो है जो किडनी है किडनी को मैसेज देगा किडनी में इट विल सेंड द मैसेज कि भाई कैल्शियम जो है उसको आपको रीएब्सॉर्ब नहीं करना है ना you किडनी know, के फंक्शन में यू मस्ट हैव सीन की हाउ एवरी ऑल द कंटेंट ऑफ ब्लड फर्स्ट गोज आउट इन टू द लूप ऑफ एनली एंड देन हाउ इट इज बींग एब्सॉर्ब बैक तो बेसिकली इट सेंड्स अ मैसेज कैल्सिटोनि सेंड्स अ मैसेज टू किडनी कि डोंट एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड दैट्स योर फर्स्ट थिंग सेकेंड इज जो आपके Uh, आपने जो खाया है दैट फूड वैन इट्स पासिंग थ्रू द इंटस्टाइन सो इट सेंड्स द मैसेज टू इंटस्टाइन डोंट एब्जॉर्ब द कैल्शियम सो इट इनहिबिट्स और इट स्टॉप्स इंटस्टाइन फ्रॉम एब्जॉर्बिंग द कैल्शियम थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इट टेल्स बोन्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम ठीक है तो बोन में हमारे दो मेन सेल होते हैं वन इज ओस्टियोब्लास्ट जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं एंड अनदर इज ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट क्या है वो बेसिकली बोन्स को ब्रेक करके वो कैल्शियम ब्लड में रिलीज करते हैं तो कैल्शियटोनिन जो है इट इनहिबिट्स ओस्टियोक्लास्ट की डोंट रिलीज कैल्शियम इन ब्लड एंड इट स्टिमुलेट्स ओस्टियोब्लास्ट कि भाई प्लीज स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द कैल्शियम तो आप सोचें अगर ओस्टियोब्लास्ट जो है वो स्टिमुलेट होंगे दे विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर कैल्शियम तो जो आपका दोज हुआ सफरिंग फ्रॉम ओस्टियोपोरोसिस जिनकी बोन्स वीक हैं उनको जो है कैल्शियम की सप्लीमेंट्स दी जाती हैं विटामिन डी दी जाती हैं साथ में उनको हॉर्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं दोज हॉर्मोनल इंजेक्शंस कंटेन्स कैल्सिटोनिन है ना ये जो कैल्सिटोनिन हॉर्मोन है दैट इन टर्न्स गिव्स द सिग्नल टू ओस्टियोब्लास्ट प्लीज एब्जॉर्ब द कैल्शियम वेल well, अगर कैल्शिटोनिन जो है वो हाई कैल्शियम लेवल पर वर्क कर रहा है देन देअर मस्ट भी हॉर्मोन्स जो कि अगर कैल्शियम लेवल लो हो गया है तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करें तो उसके लिए वी हैव गॉट पैराथायरायड ग्लैंड इज देअर विच रिलीजेज पी टी एच सो पैराथायरॉयड ग्लैंड जे थायरॉयड ग्लैंड के साथ ही अटैच हैं बट दे आर टोटली सेपरेट दे आर नॉट पार्ट ऑफ थारॉयड ग्लैंड सो दे आर फोर इन नंबर्स एंड इन शेप ऑफ पी राइट और ये थाइराइड ग्लैंड की बैक साइड पर प्रेजेंट है दिस पैराथाइरायड ग्लैंड दे इनकेस वेन द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल डिक्रीजेस इन द ब्लड दैन दे प्ले अ क्रूशल रोल इन इंक्रीजिंग इट है ना ये आपका जो कैल्सिटोनिन है उसका अपोजिट काम कर रहे हैं ठीक है तो पैराथायरयड ग्लैंड अगर कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाता है तो इट रिलीजेज योर हॉर्मोन विच वी कॉल एस पैराथायरॉयड हॉर्मोन और पी टी एच ये जो पी टी एच है ये कैल्सिथोनिन का बिल्कुल अपोजिट काम करेगा एंड इट विल इंक्रीज इज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड ठीक है अगेन जैसे कैल्सिथोनिन इज नॉट कंट्रोल्ड बाई पीट्यूटरी ग्लैंड सेम वे पी टी एच जो है वो भी पीट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं कर रहा है पैराथॉयरयड ग्लैंड टेक्स सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड कैपलरीज हाउ मच कैल्शियम लेवल इज देअर एंड अकॉर्डिंगली देर रिलीज द पी टी एच हॉर्मोन तो ये जो आपका इंक्रीजिंग ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड है दैट इज एक्जैक्टली अपोजिट टू वट कैल्सिटोन इन इज डूइंग ठीक है तो यहां पर पी टी एच जो है वो बोन्स में जो ओस्टियो क्लास्ट है उनको स्ट्यूमुलेट करेगा और उनको बोलेगा कि भाई ब्लड में कैल्शियम कम है सो यू स्टार्ट ब्रेकिंग द बोन सेल्स एंड द रिलीजिंग द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन मसल्स सेम वे में आपका जो है इट विल गो टू द किडनी एंड किडनीज को इट विल टेल प्लीज री एब्जॉर्ब एज मच कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एज पॉसिबल वी वॉन्ट टू इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड ऑल्सो इट विल टेल मैसेज इट विल गिव मैसेज टू किडनी टू रिलीज विटामिन डी विटामिन डी जो है दैट विल गो इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट विल एनहांस द ऑफ कैल्शियम तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एबजॉर्ब्शन को इंक्रीज करेगा एंड दैट इवेंचुअली विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड सो दिस फुल चार्ट इज शोइंग हाउ द कैल्शियम लेवल इज द ब्लड सो कैल्शियम लेवल शुड बी बिटवीन नाइनटी टू हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाता है ज़्यादा हो जाता है देन दैट मैसेज गोज टू दी सेल्स इन थायरॉइड विच रिलीजेस कैल्शिटोनिन एंड कैल्शिटोनिन वर्कस विद किडनी स्मॉल इंटस्टाइन एंड बोन टू डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड ठीक है और अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो गया है तो ये जो सिग्नल है दिस इज पिक्डअप बाय पैराथॉयर ग्लैंड कि भाई कैल्शियम लेवल बहुत कम हो गया है तो पैराथॉयरॉइड ग्लैंड जो है वो पीटीएच रिलीज करते हैं ये पीटीएच हॉर्मोन पैराथायरयड हॉर्मोन ये बोन्स के पास जाएगा किडनी के पास इंटेस्टाइन के पास कि ब्लड में कैल्शियम कम है सो वी नीड मोर कैल्शियम एंड दैट्स हाउ द कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज में वेल आई होप द फंक्शन ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स रिलीज बाय थारॉयड ग्लैंड एंड पैराथायरयड ग्लैंड is crystal clear to you we'll see you in next video till then tata bye bye